युजवेंद्र चहल द बॉलर को तो टीम इंडिया में मौका मिल नहीं रहा था, सब कुछ करके देख लिया था, अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, अच्छी गेंदबाजी की, विकेट चटकाए, सब कुछ कर लिया, पर बॉलर को मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन अब लगता है कि युजवेंद्र चहल द ऑलराउंडर को जरूर मौका मिल जाएगा, क्योंकि अब चहल गेंदबाज थोड़ी ना है, अब तो चहल ऑलराउंडर बन चुके हैं। मानो पूरी दुनिया से कह रहे हैं कि अब हम वो चहल नहीं रहे जो सिर्फ गेंदबाजी करते थे, मौका नहीं मिलता था, अब हम बन चुके हैं ऑलराउंडर, अब हमें चाहिए फुल इज्जत। हमें फुल इज्जत चाहिए, हमें मौका भी चाहिए टीम इंडिया में। अब हमें नहीं पता आप जगह कैसे बनाएंगे, पर आप जगह बनाइए, क्योंकि चहल द ऑलराउंडर इंडिया के लिए खेलेगा। अब ये सब बातें इसलिए शुरू हुई हैं क्योंकि युजवेंद्र चहल ने रणजी ट्रॉफी में यूपी के अगेंस्ट अपने करियर की सबसे बड़ी पारी खेल दी। इतनी बड़ी पारी युजवेंद्र चहल ने अपने करियर में आज तक नहीं खेली थी, वो यूपी के अगेंस्ट खेल के दिखाई। एक ऐसी पारी खेली जिसे देखकर सुरेश रैना हो, जॉस बटलर हो, सिमरन हेटमायर हो, रोमन पवेल हो, सब हैरान है, सब शौक हो गए कि भाई चहल ने कैसे रन बना दिए। वो युजवेंद्र चहल जो मजाक में बैट पकड़ा करते थे, अक्सर बटलर के साथ मिलकर बैटिंग करने की प्रैक्टिस करते थे, मजाक मस्ती में बैटिंग करते थे, लेकिन किसने सोचा था कि मजाक मस्ती में बैटिंग करने वाला चहल लगभग 50 रन बना देगा, 50 रन बना देगा, और धीरे धीरे जो चहल एक गेंदबाज हुआ करता था उसका नाम ऑलराउंडर्स के साथ जुड़ने लगेगा। सब हैरान हो चुके हैं भाई साहब। अब इससे पहले कि चहल की इस पारी की बात करें, आपको रिएक्शंस बताता हूं कि सोशल मीडिया पे किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। सबसे पहले सुरेश रैना, चहल के एक पोस्ट पर सुरेश रैना ने कमेंट किया कि वाह भाई उस्ताद, मान गए आप, कमाल की बैटिंग की चहल साहब आपने, ये सुरेश रैना ने कमेंट किया। अब सिमरन हेटमायर जो कि राजस्थान के लिए खेलते हैं चहल के साथ, उनका कमेंट आया, उन्होंने कहा कि गेंदबाजी कौन कर रहा था भाई, चहल ने इतने रन बना दिए तो गेंदबाजी क्या हो रही थी, कोई बताएगा क्या चल रहा है यहां पर। रोमन पवेल, वेस्ट इंडीज के एक और खिलाड़ी जो कि राजस्थान में खेलते हैं चहल के साथ, वो कहते हैं युजवेंद्र चहल द बैटर, ये कब हो गया भाई। और जॉस बटलर, जिनके साथ कई बार चहल ने मजाक मजाक में बैटिंग की है, बल्ला लेकर पहुंच जाते थे कि बटलर भाई मैं करूंगा आपके साथ ओपनिंग, वो जॉस बटलर लिखते हैं कि भाई चहल बैटिंग की तूने, कितने रन बनाए। तो चहल ने रिप्लाई करके लिखा, बटलर भाई 48 बना दिए। तो कुछ इस तरह के रिएक्शन सामने आए जब युजवेंद्र चहल ने यूपी के अगेंस्ट खेलते हुए अपने करियर की सबसे बड़ी पारी खेल दी, अपने फर्स्ट क्लास करियर की सबसे बड़ी पारी, और अमन कुमार के साथ मिलकर हरियाणा के लिए 60 रन की पार्टनरशिप की 11वें विकेट के लिए। सोचिए क्या कमाल की पारी थी। सुरेश रैना ने तारीफ की, जॉस बटलर हैरान थे, पवेल हैरान थे, हेटमायर हैरान थे, पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि चहल ने हरियाणा के लिए खेलते हुए 152 बॉल पे 48 रन बना दिए। सोचिए 48 रन बनाना, 152 बॉल खेलना, कितनी बड़ी बात है। हरियाणा और यूपी का मैच चल रहा था जहां नंबर 11 पे युजवेंद्र चहल आते हैं, 152 बॉल पे 48 रन बनाते हैं, 6 चौके लगाते हैं और अपने फर्स्ट क्लास करियर की सबसे बड़ी पारी खेलते हैं। और ऐसा नहीं है कि सामने कोई छोटी टीम थी या कोई हल्का बॉलिंग अटैक था, भाई यूपी की टीम थी। इस टीम में यश दयाल खेल रहे थे, अंकित राजपूत खेल रहे थे, सौरभ कुमार खेल रहे थे, उनके सामने 48 रन बनाए। और जब ये 48 रन बनाए तो भाई युजवेंद्र चहल की तो खुशी का ठिकाना नहीं था, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे तीन तीन पोस्ट डाले, 48 रन के तीन पोस्ट डाले, जिस पे लोग हैरान हो गए। सुरेश रैना ने तारीफ की, जॉस बटलर ने तारीफ की, सिमरन हेटमायर हैरान, रोमन पवेल हैरान कि भाई चहल ने क्या काम करके दिखा दिया। और अब सवाल आ रहा है कि भाई युजवेंद्र चहल द बॉलर को तो खिलाया नहीं जा रहा था, मौका मिल नहीं रहा था, अब क्या पता ऑलराउंडर को मिल जाए, क्योंकि चहल के साथ अक्सर यही होता है ना। टीम इंडिया कहती है कि हम चहल को इसलिए नहीं खिलाते क्योंकि वो बैटिंग नहीं कर सकते, वो रन्स नहीं बना पाते, अब बना दिए रन्स, खिला लो। लेकिन सच में यार युजवेंद्र चहल प्लेयर तो कमाल के, अभी कुछ समय पहले काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे, डर्बीशायर के अगेंस्ट खेलते हुए कमाल की गेंदबाजी की थी, 16 ओवर्स की गेंदबाजी की जिसमें 2 मेडन डाले थे, 5 विकेट लिए थे, सिर्फ 2 का इकोनॉमी रेट। वनडे की बात करें, काउंटी क्रिकेट, वनडे क्रिकेट जब खेला, अपना डेब्यू मैच था, उसमें भी 5 विकेट लिए थे, 10 ओवर की गेंदबाजी की जिसमें 5 मेडन, 14 रन दिए और 5 विकेट चटकाए। सोचिए टेस्ट क्रिकेट में भी 5 विकेट, वनडे में भी 5 विकेट, और अब रणजी में भी रन बना दिए। तो चहल देखिए एक ऐसे प्लेयर हैं, जब मौका मिलता है, परफॉर्म करने का मौका दिया जाता है तो परफॉर्म करते हैं, विकेट्स चटकाते हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं, पर इंडिया में मौका नहीं मिल पाता। अभी कुछ ही समय पहले की बात है, दुलीप ट्रॉफी हुआ था, 4 टीम्स बनाई गई थी, लगभग 60 प्लेयर्स थे, पर चहल का नाम नहीं था। इंडिया की करंट टीम की बात करें तो कुलदीप यादव एक ऐसे प्लेयर है जो कि रेगुलर प्लेयर बन चुके हैं, हर फॉर्मेट खेलते हैं। जब ऑप्शन की बात आती है तो रवि बिश्नोई को खिलाया जाता है, अब तो वरुण चक्रवर्ती की भी वापसी हो गई, बांग्लादेश सीरीज में लगभग 3 साल के बाद वरुण चक्रवर्ती आ गए, वरुण चक्रवर्ती खेल रहे हैं, रवि बिश्नोई खेल रहे हैं, कुलदीप खेल रहे हैं, सिर्फ चहल के लिए जगह नहीं।
सोचिए युजवेंद्र चहल इंडिया के T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज हैं, पर आज तक एक भी वर्ल्ड कप नहीं खेला। 2021 वर्ल्ड कप में सिलेक्ट नहीं किया गया, 22 वर्ल्ड कप, 24 वर्ल्ड कप में सिलेक्ट किया गया तो एक भी मैच नहीं खिलाया गया। वो युजवेंद्र चहल जो इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट चटकाते हैं, आज तक इंडिया के लिए एक वर्ल्ड कप मैच नहीं खेल पाए। सोचिए कितनी हैरानी की बात है, बहुत हैरानी की बात है कि युजवेंद्र चहल के साथ क्यों नाइंसाफी होती है और क्यों उन्हें टीम इंडिया में मौका नहीं मिलता। लेकिन अब आप मुझे बताइए कि क्या हरियाणा के लिए 48 रन बनाने के बाद क्या चहल को मौका मिलेगा? वनडे क्रिकेट, T20 क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट, किसी भी फॉर्मेट में क्या चहल की टीम इंडिया में वापसी हो पाएगी? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और चहल की पारी कैसी लगी बताना जरूर, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें।